देखिए फिर से यहाँ पर से देखना है, हम बताए थे अगर कॉमन नाउन होगा, अगर प्लुरल फॉर्म में होगा तो 95% आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन यदि कॉमन नाउन प्लुरल फॉर्म में हो लेकिन किसी का खास हो गया हो, किसी का व्यक्तिगत हो गया, पार्टिकुलराइज किसी को कर दिए हैं, तो हमेशा हमेशा आर्टिकल क्या लेता है, दा लेता है। केवल आर्टिकल क्या लेगा, वो हमेशा आर्टिकल दा लेगा। जैसे में देखिए, अगर हम बोलते हैं कि कलमे महंगे हैं तो बोलेंगे पेंस और कॉस्ट, लेकिन बोले नहीं इस दुकान की कलमे महंगे, तो बोलना पड़ेगा द पेंस ऑफ दिस शॉप आर कॉस्टली। हम बोलते हैं कि टीचर जो है ईमानदार है, तो बोलेंगे टीचर्स आर ऑनेस्ट, लेकिन बोलेंगे नहीं इस स्कूल के टीचर ईमानदार है, तो खास हो जाएगा, तब बोलेंगे द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल आर ऑनेस्ट। हम बोलेंगे कि बुक जो है बहुत महंगा है, तो बोलेंगे बुक्स आर कॉस्टली, लेकिन बोलेंगे नहीं इस दुकान का बुक महंगा है, तो बोलना पड़ेगा कि द बुक्स ऑफ दिस शॉप। मतलब जब भी अगर प्रीपोजिशन से अगर किसी चीज को अगर खास बना देते हैं, तो कॉमन नाउन प्लुरल होने के बावजूद भी है हमको आर्टिकल किसका यूज करना पड़ता है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो फिर से सुन लीजिएगा, अगर कॉमन नाउन के बारे में बात करें तो कॉमन नाउन जो है वो क्या हो सकता है, कॉमन नाउन सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, लेकिन यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो 100% आर्टिकल लेता है, लेकिन यदि कॉमन नाउन प्लुरल हो तो 95% आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन यदि कॉमन नाउन प्लुरल भी हो और खास भी हो तो 100% आर्टिकल क्या लेता है, द लेता है। मतलब खास होने के बावजूद हमको आर्टिकल क्या देना पड़ता है, द। ऐसे जनरली हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जिसे में देखिएगा, हम लिखे हैं बुक्स ऑफ दिस शॉप वेयर कॉस्टली, बताइए एक केवल बुक्स लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है इस दुकान का किताबें, तो खास हो गया, इस दुकान की किताबें जो है क्या है, महंगी है। अब थोड़ा सोचिए कि इस दुकान की किताबें, तो बुक्स हो गया, तो बुक्स के पहले हमेशा हमको क्या लगाना चाहिए था, दा लगाना चाहिए था, लेकिन इसमें दा दिया नहीं, गलत हो गया। हम बोलते द बुक्स ऑफ दिस शॉप वेयर कॉस्टली, इस दुकान की जो किताबें हैं वो महंगी है, आर्टिकल दा दिया है, सेंटेंस क्या हो गया, सही। फिर लिखा है कि इस दुकान की किताब, एक किताब महंगी है, तो ऐसे नहीं होता है, हमेशा जब खास होता है तो ए एंड यूज नहीं करना है, केवल किसका यूज करना है, दा यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे द बुक लिख दें इसका मतलब प्लुरल हो गया, नहीं, द बुक जैसे बोलते हैं इसका मतलब ये भी क्या है, सिंगुलर है, लेकिन दिस शॉप जो है प्रीपोजिशन आकर इसको खास बना दिया है, इसलिए हमको क्या देना पड़ रहा है, द। अगर हम जब भी कभी किसी नाउन को अगर ऑफ से जोड़ देते हैं, इनटू से जोड़ देते हैं, इन से जोड़ देते हैं, तो हमेशा जो पार्ट होता है वो खास बन जाता है, और जब खास बन जाता है अगर कॉमन नाउन, तो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, हमेशा आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अगर आप द नहीं देते हैं तो ये कॉमन एरर माना जाता है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस में देखिए, आप इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि बॉयज ऑफ माई स्कूल इज वेरी ऑनेस्ट, सभी लड़का के बारे में बात कर रहा है, नहीं, बोल रहा है कि मेरे स्कूल के जो लड़के हैं वो ईमानदार हैं, तो खास हो गया ना। अब खास हुआ है बॉयज, तो इसके पहले आर्टिकल देवे नहीं किया है, आर्टिकल दा, गलत हो गया। फिर बोला कि मेरे स्कूल के जो लड़के हैं वो क्या है, बहुत ईमानदार हैं, इसका मतलब ये खास हो गया है, आर्टिकल का यूज करना चाहिए था हमको, दा, जो कि दिया हुआ है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है ए बॉयज ऑफ दिस स्कूल, ये जब खास है तो ए कैसे आएगा, ये खास है तो केवल क्या आएगा, दा आएगा, क्योंकि पता है कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लुरल फॉर्म में हो, अगर खास के बारे में बात करेगा, किसी चीज का पार्टिकुलराइज हो जाएगा, किसी का व्यक्तिगत हो जाएगा, तो केवल केवल आर्टिकल क्या आता है, द आता है। ये हमेशा बात को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, प्रीवियस ईयर में लिखा था कॉलेजेज ऑफ इंडिया हैव बीन रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स 2007, मतलब भारत के कॉलेजेज जो है वो 2007 से कंप्यूटर कोर्स चलाते आ रहे हैं, ठीक है। अब 2007 से चलाते आ रहे हैं, लेकिन क्या इसमें बात कर रहा है सभी कॉलेज के बारे में बात कर रहा है, बोलेंगे नहीं, लिखा है कि द कॉलेजेज ऑफ इंडिया सब कॉलेज के बारे में बात कर रहा है, नहीं, भारत के कॉलेज के बारे में बात कर रहा है, मतलब खास है, और कॉलेज का प्लुरल होता है कॉलेजेज। अगर हम बोलते हैं बॉय तो हो जाएगा सिंगुलर, बोलेंगे बॉयज तो हो जाएगा प्लुरल, और हमेशा याद रखना है कि कॉमन नाउन ही एक ऐसा पार्ट है जिसका सिंगुलर भी बन सकता है, प्लुरल भी बन सकता है। तो जैसे ही अगर आपको कॉमन नाउन पता लगाना है, तो समझ लीजिए अगर सिंगुलर से प्लुरल बन गया तो मान लीजिए वो कॉमन नाउन है, तो हम बोलेंगे कॉलेज का कॉलेज हो रहा है, समझो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन प्लुरल फॉर्म में है, लेकिन खास है इंडिया बता दिया है कि भारत का कॉलेज, पाकिस्तान का कॉलेज, मेरे मोहल्ले का कॉलेज, मेरे सिटी का कॉलेज, तो खास ना हो गया। जब खास हो गया तो खाली कॉलेज नहीं होना चाहिए, इसको लिखना चाहिए था कि द
कॉलेजेज ऑफ इंडिया मतलब भारत की कॉलेजेज, इसको बोलना चाहिए द कॉलेजेज ऑफ इंडिया, तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो गलती कहाँ था, कॉलेजेज के पहले इसको लगाना चाहिए आर्टिकल क्या द, तब सेंटेंस क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। अब नेक्स्ट पार्ट देखना है, थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कुछ दूर जाएंगे नहीं, ठीक है, हमेशा देखना है। अगर खास नाम होगा प्रॉपर नाउन, जाति का नाम होगा कॉमन नाउन, और याद रखना है इसका रूल याद रखना है कि जब भी प्रॉपर नाउन होता है प्रथम अक्षर कैपिटल होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये हमेशा सिंगुलर भर लेता है, इसके पहले आर्टिकल यूज नहीं करते हैं 95%, ये बात बताए थे। फिर बताए थे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है प्लुरल भी हो सकता है, और कॉमन नाउन जो है जब सिंगुलर होगा तो 100% आर्टिकल लेगा, जब कॉमन नाउन अगर प्लुरल होगा तो 95% आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन अगर कॉमन नाउन प्लुरल हो या सिंगुलर हो केवल खास होगा तो 100% आर्टिकल क्या दिया जाता है, द लगाया जाता है, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए द लगाया जाता है, दैट नहीं द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आगे पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए अब मटेरियल नाउन एक अवस्ट्रेक्ट नाउन, देखिए दो को एक साथ बताएंगे, अभी आपको इसके जस्ट पहले बताए हैं प्रॉपर नाउन और बताए कॉमन नाउन, अब तुरंत जस्ट बताएंगे मटेरियल नाउन और अवस्ट्रेक्ट नाउन, दोनों में सेम सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस एक पॉइंट से डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है जो बताते हैं। देखिए आपको मटेरियल नाउन बताएंगे, उसके बाद बताएंगे अवस्ट्रेक्ट नाउन, दोनों में क्या डिफरेंस है जो बताते हैं, सुन लीजिए। स्टार्टिंग में कहता है कि इस संसार में किसी भी चीज का नाम होगा तो नाउन कहलाएगा, इस संसार में किसी भी चीज का खास नाम होगा तो प्रॉपर नाउन, जात का नाम होगा कॉमन नाउन, लेकिन इस संसार में किसी भी चीज को जिस जिस वस्तु को हम केवल मापेंगे तौलेंगे मीजर्ड करेंगे वेट करेंगे हमेशा रखा जाएगा मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन दैट कैन बी मीजर्ड और वेट इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, इस संसार में जितने भी चीजें को हम मीजर करेंगे वेट करेंगे मापेंगे तोलेंगे सबके सब क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। अब नेक्स्ट बात देखिए अवस्ट्रेक्ट नाउन कहता है कि वैसे नाम जिसे केवल हम अनुभव कर सकते हैं, मतलब हम किसी चीज को देख नहीं सकते, बताइए जिस चीज को अनुभव करेंगे क्या उसको देख सकते हैं क्या उसे छू सकते हैं, तो उतना सोचना ही नहीं है, मतलब जिस चीज को हम केवल अनुभव करते हैं हमेशा कौन सा नाम कहलाएगा, अवस्ट्रेक्ट नाउन। तो जिस जिस नाम को हम केवल अनुभव करेंगे उस नाम को हम बोलेंगे अवस्ट्रेक्ट नाउन, बस यही अंतर है। अब दोनों में देख लीजिए कि कुछ भी अंतर नहीं है, केवल दोनों में अंतर यह है कि इसको मापेंगे तोलेंगे और इसको है जो अनुभव करेंगे, अगर मापेंगे तोलेंगे तो बोलते हैं जैसे हो गया गोल्ड हो गया राइस हो गया पेट्रोल हो गया डीजल हो गया राइस हो गया पैडी हो गया मिल्क हो गया बटर हो गया जितना भी वर्ड बोले हैं सबसे मटेरियल नाउन है, क्योंकि या तो उसको मापते हैं या तो तौलते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर हम बोल देते हैं गोल्ड बोल दें या राइस बोल दें या बोल देते हैं पैडी बोल दें या सिल्वर बोल दें या डायमंड बोल दें कुछ भी बोल देते हैं तो बोलेंगे बताइए उसको मापेते हैं कि तौलते हैं, तो बोलेंगे नहीं जी उसको तो वेट करते हैं तौलते हैं। अगर बोलेंगे बताइए मिल्क हो गया वाटर हो गया डीजल हो गया केरोसिन हो गया मिल्क हो गया ये सब शब्द क्या है, हम बोलेंगे ये सब मटेरियल नाउन है, लेकिन ये सब जितने भी नाम है सबको हम क्या करते हैं सबके सबको हम मीजर्ड करते हैं मतलब मापते हैं, तो जो भी नाम को हम इस संसार में मापेंगे तौलेंगे सब किस में रखा जाएगा मटेरियल नाउन में रखा जाएगा। और अवस्ट्रेक्ट नाउन याद रखना है जिसको अनुभव करेंगे, अनुभव किसको करेंगे, गुडनेस को बैडनेस को चाइल्डहुड को लव को काइंडनेस को ब्रेवरी को साहसिकता को ईमानदारी को सबको हम केवल अनुभव करते हैं, कौन कितना अच्छा है कौन कितना बुरा है कौन कितना ईमानदार है किसके पास कितना दयालुता है कितना साहसिकता है कितने पास किसके पास कितना मानसिकता, जो भी बात करते हैं आज तक किसी व्यक्ति ना किसी को देखा है ना तो टच किया है, केवल हर चीज को अनुभव करता है, और जब भी अनुभव करता है तो खुद अनुभव करता है किसी दूसरे को अनुभव नहीं करता है। अगर हम कितना कुछ भी हो तो खुद ना अनुभव करें कितना बीमार हो चाहे जो भी मेरे पास क्रिएट है समस्या तो खुद ही अनुभव करेंगे, दूसरे को तो अनुभव कर नहीं सकता है, ठीक है ठीक है। तो ये सब के सब कौन सा नाम में आएगा, अवस्ट्रेक्ट नाउन में। आप देखिए दोनों में अगर एग्जांपल बोले, अगर बाटर बोलते हैं मिल्क गोल्ड राइस, अगर बाटर बोले मिल्क बोले राइस बोले गोल्ड बोले या कोल बोले पेट्रोल बोले ब्रदरहुड सॉरी, तो कौन कौन सा बाट हो गया मटेरियल नाउन में, बाटर हो गया मिल्क हो गया गोल्ड राइस पेट्रोल और कोल हो गया। नेक्स्ट में देखिए केरोसिन हो गया, ये सब जितने भी शब्द हैं डीजल हो गया सबके सब कौन सा है मटेरियल नाउन, क्योंकि जितना शब्द हम लिखे हैं
या तो उसको मेजर करते हैं या तो वेट करते हैं, मतलब या तो मापते हैं या तो तोलते हैं। अब अनुभव कौन कौन सा शब्द को कर सकते, कौन कौन सा नाम को कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी हो गया, गुडनेस हो गया, अच्छाईपन हो गया, बैडनेस बुराईपन हो गया, काइंडनेस दयालुता हो गया, चाइल्डहुड बचपना हो गया, लव प्यार मोहब्बत हो गया, ब्रेवरी साहसिकता हो गया, इतने शब्द को हम, या ब्रदरहुड भाईचारा जिसको बोलते हैं, जितने शब्द है सबके सब आवश्यक नाउन है, क्योंकि जितना भी नाम लिखे हैं सबको हम केवल केवल अनुभव करते हैं, कभी किसी का कुछ इसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो जो भी मापेंगे तोलेंगे मटेरियल नाउन, और जिस जिस वस्तु को केवल हम अनुभव करेंगे सबके सब कौन सा नाउन कहलाएगा, आवश्यक नाउन। दोनों में इतना याद रखिए कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों में जितना भी रूल्स हो है ना, जो जो रूल्स अप्लाई करेंगे मटेरियल नाउन के साथ, दोनों वही रूल अप्लाई करेंगे आवश्यक नाउन के साथ। सुन लीजिए स्टार्टिंग से, मटेरियल नाउन जन्म से सिंगुलर होता है क्योंकि ये जन्म से अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि गिनते नहीं है। अगर गिनते तो मापते तोलते उसको, तो बोलेंगे ये जन्म से अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, क्योंकि जो जो वस्तु संसार में अनकाउंटेबल है वो जन्म से सिंगुलर होता है। नेक्स्ट में अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, वो भी उसको गिनते उनते नहीं है, उसको तो अनुभव करते हैं, वो भी जन्म से अनकाउंटेबल, इसलिए क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा, मटेरियल नाउन भी जो होता है हमेशा जन्म से जो है हमेशा निर्जीव होता है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जन्म से क्या होता है, निर्जीव होता है, और मटेरियल नाउन भी अपने आप में सिंगुलर होता है, सिंगुलर फॉर्म लेता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जो अपने आप में सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन जो है 95% आर्टिकल नहीं लेता है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी 95% आर्टिकल नहीं लेता है, मतलब सेम सेम एकदम बोले ना, कुछ भी डिफरेंस नहीं, केवल डिफिनेशन में डिफरेंस है। डिफिनेशन में ये डिफरेंस है कि मटेरियल नाउन को मेजर या वेट करते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल फीलिंग्स करते हैं, मतलब अनुभव करते हैं, बस यही अंतर है। बाकी वो भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, वो भी निर्जीव, ये भी निर्जीव, वो भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, वो भी 50% आर्टिकल नहीं लेगा, ये भी 50% आर्टिकल नहीं लेगा, वो भी 5% आर्टिकल डाल लेता है, ये भी 5% आर्टिकल डाल लेता है, लेकिन जब दोनों में खास हो जाता है तब। तो स्टार्टिंग से देखते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। ठीक है, देखिएगा, कहता है ये केवल निर्जीव होता है, मतलब मटेरियल नाउन केवल निर्जीव होगा, कभी सजीव हो ही नहीं सकता है। कहता है यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर भर लेगा, जब सोचिए जब इसको हम माप रहे हैं तोल रहे हैं, मतलब गिने नहीं रहे, तो जब गिनने रहे तो संख्या कैसे पता चलेगा, जब संख्या पता नहीं चलेगा तो अपने आप में सिंगुलर होगा, भर क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। थर्ड में कहता है कि प्राय अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है, मटेरियल नाउन जो है इतना याद रखिएगा कि 95% जो है आर्टिकल नहीं लेता है, कितना परसेंट, 95%। अब तीन बात याद रखना है, ये हमेशा निर्जीव होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, अपने पहले 95% आर्टिकल नहीं लेगा। अब सेंटेंस देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। फर्स्ट में लिखा है वाटर आर कॉस्टली, मटेरियल नाउन जो है वो वाटर है, अपने आप में सिंगुलर होता है, अब भर सिंगुलर लगाया जाता है, तो बताइए आर लगा दिया, सेंटेंस गलत हो गया। ए वाटर इज डर्टी, हम बोले थे कि मटेरियल नाउन के साथ 95% आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन ए लगा दिया है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। 5% कब लगेगा हम जस्ट बताते हैं, लेकिन इतना याद रखना कि 95% क्या नहीं लेता, आर्टिकल नहीं लेता है। द वाटर इज डर्टी, फिर आर्टिकल लगा दिया, आर्टिकल ए बोले, एन बोले, द बोले, आर्टिकल नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि द लगा दिया, सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो सेंटेंस सही क्या होता, इसको केवल लिखना चाहिए था वाटर इज डर्टी। अगर ये लिखता ना केवल कि वाटर इज डर्टी, पानी गंदा होता है, तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता है। इसमें आर लगा दिया तो गलती हो गया, इसमें ए लगा दिया तो गलती हो गया, इसमें दा लगा दिया तो गलती होगा, होना चाहिए वाटर इज डर्टी, वाटर क्या होता है, गंदा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर भर तो दे दिया है, लेकिन आर्टिकल लगा दिया, हम तो बोले कि 5% आर्टिकल नहीं लेगा। ये गोल्ड है मटेरियल नाउन, सिंगुलर भर दिया है, लेकिन ए लगा दिया, ये भी गलती हो गई। इसमें मटेरियल नाउन है, भर सिंगुलर दिया है, आर्टिकल भी नहीं दिया है, सेंटेंस ये क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब क्या बताए थे कि मटेरियल नाउन में 95% आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन 5% आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन कब, यदि मटेरियल नाउन को खास बना देते हैं, मतलब खास कौन, तो किसी का व्यक्तिगत बना देते हैं। ठीक है, अगर मटेरियल नाउन को खास बना देते हैं तो अपने पहले आर्टिकल केवल क्या लेता है, डाल लेता है। जैसे में अगर हम बोलते हैं गोल्ड इज कॉस्टली, तो सेंटेंस सही, सॉरी, अगर बोलते हैं गोल्ड इज कॉस्टली तो सेंटेंस सही है, लेकिन अगर बोलते हैं कि गोल्ड ऑफ माई शॉप, दया बोले गोल्ड ऑफ अलंकार ज्वेलर, द गोल्ड ऑफ माई कंट्री, तो खास ना हो रहा है, मेरे देश का सोना, मेरे शहर का सोना, मेरे दुकान का सोना, मेरे भाई के ब्रदर्स का सोना, इस तरह से अगर बोलते तो खास हो जाता है, या कुछ भी बोलते हैं। तो जब भी अगर मटेरियल नाउन अगर खास होगा ना, तो हमेशा एक बात याद रखना है कि उसके साथ केवल केवल आर्टिकल किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। जैसे में देखिए,
आप खुद सेंटेंस को देखिए और बताइए कि सेंटेंस क्या है। पहले बात सुन लीजिए, मटेरियल नाउन होगा हमेशा निर्जीव होता है, मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, भर्व सिंगुलर लेता है। मटेरियल नाउन जो है 95% अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन 5% आर्टिकल लेता है जब वो खास होता है। अब बताइएगा, सेंटेंस देखिए और बताइए क्या सही है। लिखा है वाटर ऑफ दिस बोतल इज डर्टी, बताइए ये सब पानी के बारे में बात कर रहा है? बोलेंगे नहीं जी, ये तो बात कर रहा है द वाटर ऑफ दिस बोतल, इस बोतल का पानी जो है गंदा है, तो सब पानी के बारे में बात नहीं, तो खास ना हो गया। हम बोले तो जैसे प्रीपोजिशन से कनेक्ट रहेगा तो मतलब खास हो जाएगा, जब खास हो गया मतलब वाटर नहीं लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए द वाटर लिखना चाहिए, तो यहाँ पर गलत हो गया। ए वाटर जब खास हो गया तो केवल केवल हमको द लगाना है, फिर ए कैसे आ जाएगा, इसलिए केवल केवल क्या लग गया द। बोलेंगे द वाटर ऑफ दिस बोतल, द वाटर ऑफ माई हैंड पंप, द वाटर ऑफ दिस रिवर, द वाटर ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ माई कंट्री, द वाटर ऑफ माई विलेज, द वाटर ऑफ दिस एनीथिंग एल्स, कुछ भी लिखते हैं लेकिन क्या होना चाहिए, खास होना चाहिए। जब खास होगा तो मटेरियल नाउन के साथ केवल केवल आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, इसी का एग्जांपल आप देख लीजिए थोड़ा। लिखा है गोल्ड ऑफ अलंकार ज्वेलर इज वेरी कॉस्टली, बताइए ये गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है अपने आप में, क्या खास है? बोलेंगे हाँ, कैसे पता चला खास है? बोला ये सोना जो है महंगा है, बहुत महंगा है, लेकिन किसका सोना महंगा है, तो अलंकार ज्वेलर का सोना महंगा है, अलंकार ज्वेलर जो शो शॉप है उसका सोना महंगा है, तो खास हो गया। और जब खास होता था केवल केवल आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन इसने क्या किया, आर्टिकल यूज नहीं किया, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। फिर नेक्स्ट में लिख रहा है द गोल्ड ऑफ अलंकार ज्वेलर, ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, लेकिन सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलती हो गया, क्योंकि यहां पर तो द लगा दिया है, अब भर क्या लगा दिया है, आर लगा दिया। हम बोले थे कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि गिनते नहीं उसको, मापते हैं तोलते तो सिंगुलर होगा ना। और बताइए सब्जेक्ट द गोल्ड है तो भर क्या होना चाहिए, आर के जगह इज होना चाहिए। नेक्स्ट में लिखे हैं द गोल्ड ऑफ अलंकार ज्वेलर, ये सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि खास है इसलिए आर्टिकल द का यूज किया है, और भर भी क्या यूज किया है, सिंगुलर यूज किया है। ठीक है, ये पीछे वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट नाउन तो बताते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे आगे। देखिए सेंटेंस पूछा था बैंक ऑफ इंडिया में, क्वेश्चन पूछा हुआ था द मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग, कह रहा है ये जो मिल्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका, एनर्जी के लिए स्रोत है, मानव ह्यूमन बीइंग मतलब मानव जाति के लिए, मतलब एक बहुत बड़ा स्रोत है। क्या, कौन सा स्रोत है, मिल्क जो है वो बहुत बड़ा स्रोत है, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्रोत है। अब बात कर रहा है मिल्क का, क्या ये मिल्क किसी का खास है, लिखा हुआ है द मिल्क ऑफ माई बफेलो, द मिल्क ऑफ एनीथिंग एल्स, जो भी आता है द मिल्क ऑफ सुधा, ये सब तो नहीं लिखा हुआ है। जब नहीं लिखा हुआ इसका मतलब मिल्क ऐसे ही यूज हुआ है, जनरली यूज हुआ है, तो क्या उसके पहले मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल लगाते हैं, तो नहीं लगाते हैं। इसमें गलती यही था कि मिल्क किसी खास मिल्क के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसलिए मटेरियल नाउन जो है ये आर्टिकल कितना परसेंट नहीं लेता है, 95% नहीं लेता है। खास होता ना अभी तो हम द लगा देते, लिखा रहा था ना द मिल्क ऑफ माई बफेलो, द मिल्क ऑफ सुधा, तो लगा देते आर्टिकल द, लेकिन खास तो है ही नहीं, तुमको आर्टिकल यहाँ से हटा देना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ ओवरसीज बैंक का क्वेश्चन पूछा हुआ था वाटर ऑफ गंगा, द गंगा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द हिंदू, लिखा हुआ है कि कह रहा है कि वाटर ऑफ गंगा मतलब गंगा का पानी, तो खास हो रहा है, कह रहा है गंगा का पानी जो है वो हिंदू के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, किसका पानी, तो बोलेंगे गंगा का पानी। अब गंगा का पानी बता रहा है तो पानी जो है यहाँ पर मटेरियल नाउन है, अब मटेरियल नाउन जो है 95% आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि खास हो जाता है वही बचा हुआ 5% क्या ले लेता है, आर्टिकल द, लिखना चाहिए द वाटर ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ द यमुना, द वाटर ऑफ माई हैंडपम्प, क्योंकि खास हो जाता है मटेरियल नाउन तो आर्टिकल क्या लेता है, द लेता है। लास्ट पॉइंट चलते हैं, अब स्ट्रिक्ट नाउन बता देते हैं आपको, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे नेक्स्ट डेज। चलिए अब स्ट्रिक्ट नाउन में देख लेते हैं, देखिएगा अब स्ट्रिक्ट नाउन में कुछ बोले सेम है। हम बताए थे कि मटेरियल नाउन भी निर्जीव होता है, तो बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होता है, निर्जीव होता है। हम बोले थे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, सॉरी मटेरियल नाउन जो होता है केवल सिंगुलर होता है, सिंगुलर भर लेता है। उसी तरह अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, भर क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। हम बताए थे कि मटेरियल नाउन जो है अपने पहले 95% आर्टिकल नहीं लेता है, तो बोलेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जो है वो 95% आर्टिकल नहीं लेता है, ये भी क्या किया, आर्टिकल नहीं लेता है। देखिए नेक्स्ट में लिखा हुआ है, फिर से सुन लीजिए,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन निर्जीव होता है, ये भी अनकाउंटेबल होता है, ये भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसके पहले पंचायन प्रश्न आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सेम सेम बात जो हम बोले थे मटेरियल नाउन में, सेम सेम बात हम बोल रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से लिखा है लव आर ब्लाइंड। अब बताइए लव जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? ये अपने आप में प्लुरल होता है तो बोलेंगे नहीं, सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, होना चाहिए लव इज ब्लाइंड हो जाइए। ठीक है, अब देखिए अब आर्टिकल बोले पंचायत प्रश्न नहीं लेगा तो फिर कैसे ले लेगा, इसका मतलब ये भी सेंटेंस गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया। द लव इज ब्लाइंड, अब लव जो है ये आर्टिकल जा लगा दिया, हम बोले कि पंचायत प्रश्न आर्टिकल नहीं लेता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो कैसे लग जाएगा, होना चाहिए लव इज ब्लाइंड, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता ये सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए अब एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या आर्टिकल लेगा एन, तो बोलेंगे नहीं पंचायत प्रश्न आर्टिकल नहीं लेता है। हम बोलेंगे द ऑनेस्टी तो बोलेंगे नहीं, ये खास नहीं ना जो हम आर्टिकल लगाया इसका यूज कर देंगे द, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल नहीं दिया है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही होगा। ये हमेशा याद रखना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आर्टिकल नहीं लेता है, पंचायत प्रश्न नहीं लेगा, 5% आर्टिकल द तभी लेता है जब खास होता है, जैसे मटेरियल नाउन खास हुआ था। अब बताइएगा नेक्स्ट में, अब सेंटेंस देखिए मटेरियल नाउन वाला। ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट देखिए, अगर हम बोलते हैं सेंटेंस में, चलिए देखिए इसका सेंटेंस फिर बता देते हैं, लिख के बता देते हैं। ठीक है, अगर हम मटेरियल नाउन में ये बात बोलते हैं, आपको हम मटेरियल नाउन में ये बात बोल दें, क्या बात बोल दें, जैसे देखिए अगर हम बोलते हैं कि लव इज ब्लाइंड, तो लव जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर यही अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर खास हो जाता है तो केवल आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है। जैसे देखिए अगर हम बोलते हैं कि लव ऑफ लैला मजनू इज फेमस इन द वर्ल्ड, अब बताइए कह रहा है कि लैला मजनू का जो लव है वो क्या है, इस संसार में फेमस है। अब थोड़ा सोचिए, सब लव के बारे में बात कर रहा है तो बोलेंगे नहीं जी, किसी खास का है, लैला मजनू के बारे में कोई खास है उसी के बारे में बात कर रहा है, तो केवल लव नहीं लिखेंगे, अगर लव ऑफ लैला मजनू लिखेगा सेंटेंस गलत हो जाएगा, लिखना पड़ेगा द लव ऑफ लैला मजनू, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगर हम बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यह सेंटेंस सही है, क्योंकि ऑनेस्टी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन अगर इस तरह से लिखे हम लिखते हैं ऑनेस्टी ऑफ राम इज फेमस इन द वर्ल्ड, अब आप ही बताइए कि सब ईमानदारी के बारे में बात कर रहा है तो बोलेंगे नहीं जी, ये तो राम की ईमानदारी के बारे में बात करें कि राम की ईमानदारी जो संसार में बहुत ही प्रसिद्ध है, तो जब खास हो जाएगा तो हमको लगाना पड़ेगा ऑनेस्टी, नहीं लगाना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा द ऑनेस्टी ऑफ राम, द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर, द ऑनेस्टी ऑफ माई सिस्टर, द ऑनेस्टी ऑफ माई फादर, एनीथिंग एल्स, जब भी अगर आवश्यक नाउन खास हो जाएगा तो केवल आर्टिकल क्या आता है, द आता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक याद रखना है जितना हम बात बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से जहाँ तक हम बताए थे नेक्स्ट वीडियो फिर आगे बताएंगे। ठीक है, आज तक यहीं रहने देते हैं। आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, फिर आगे हम बताएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे हम। ठीक है, अच्छा।